वही मट्टी को आप जिस शेप में बनाए हो वैसी हो जाएगी, अगर जब सूख जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आप करते हैं की भी ख्वाहिश है, उनकी मेहनत है, आप लोगों को उधर भेजा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं खुद बताता हूँ, खुद एक पुअर फैमिली से था, तो हमारे घर वालों ने हमें कभी मना नहीं किया, ये उनका एहसान है, उन्होंने कभी हमें मना नहीं किया खेलने से। इसी तरह आपके वालदैन ने भी आपको भेजा खेलने के लिए, आप अपने वालदैन की फिक्र करें कि वो कैसे मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके आप लोगों को खिला रहे हैं। तो इस चीज़ को सामने रखना अपने वालदैन को, घर वालों को, और उस चीज़ को सामने रख के मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है? इसकी कोशिश करें ना सारे लोग। बाकी जो गेम की स्किल्स हैं वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ाना तो आपको फ़ायदा होगा। कोचिज हैं नदीम भाई हैं और भी साथ कोचिज हैं, ये सबसे मिल के आप बैठ के बात करें। और कोचिज से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक बच्चों की बात हम सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक हम उनकी मुश्किल जो भी चीज़ें हल नहीं कर सकते। सबसे पहले बच्चों की बात सुननी है, जब सुन लेंगे तो फिर उस पर हमने हर बच्चे के मुताबिक उसको ट्रीट करना, ठीक है? सबको गुड लक। नदीम गौरी क्रिकेट एकेडमी के लाहौर में ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। दो रोज़ा ट्रायल्स में 120 से ज़्यादा नौजवान क्रिकेटर्स ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। ट्रायल्स के आखिरी रोज साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने ट्रायल्स का जायज़ा लिया। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ ने ट्रायल्स में शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि अच्छा और कामयाब क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत और लगन ही वाहिद आगे बढ़ने का रास्ता है। मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप सब की तरह मुझे भी इब्तदाई अयाम में ख़ासी जद्दोजहद करना पड़ी। इस वक्त तो अकेडमीज़ और दूसरी सहूलियात भी ना होने के बराबर थीं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि नदीम गौरी जैसे तजुर्बाकार लोग आपकी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। दिल लगा कर जज्बे के साथ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए साबित कदम रहें। ट्रायल्स के लिए पहले रोज़ साबिक क्रिकेटर मंजूर इलाही और जहूर इलाही ने ट्रायल्स में नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का जांचने में मदद की। साबिक ICC एम्पायर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम गौरी का कहना है कि अकेडमी का आगाज 6 सितंबर से होगा, जिसमें जहूर इलाही, मंजूर इलाही समेत दूसरे सारे साबिक क्रिकेटर्स भी कोचिंग के लिए वक्त दिया करेंगे। आसिम मकसूद और तारिक कुरैशी ने भी ट्रायल्स में मुआवनत की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।